गाइस, अगर आपको नहीं पता कि आप अपना अमेजोन पे ऑर्डर कैसे रिटर्न कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। गाइस, मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैंने पहले भी अपने चैनल पे ऐसी कई वीडियो अपलोड कर रखी है कि आप अपने ऑर्डर को रिटर्न कैसे करें अमेजोन पे या अमेजोन पे अपने ऑर्डर को एक्सचेंज कैसे करें। लेकिन गाइस, आज के इस वीडियो में जो आपको प्रोसेस बताऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अमेजोन पे जो पुराना प्रोसेस था अब वो चेंज हो गया है। तो आज के इस वीडियो में जो नया प्रोसेस है, मैं आपको उसी के थ्रू समझाने जा रहा हूँ कैसे आपको अमेजोन पे अपने ऑर्डर को रिटर्न करना है। और साथ ही साथ गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उसका रिफंड कैसे मिलेगा और कब तक आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, हर रोज मैं सुबह के टाइम अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि आज किस वेबसाइट्स पे क्या ऑफर चल रहा है या किस वेबसाइट्स पे कौन सी सेल लगी हुई है और उसमें आपको कितना डिस्काउंट्स मिलेगा और वो डिस्काउंट्स आपको कैसे मिलेगा। तो गाइस, अगर आप उन सभी वीडियो का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हमें अमेजोन पे अपने ऑर्डर को रिटर्न करके उसका रिफंड लेना है। तो गाइस, सबसे पहले हम अपनी अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करना है। हम अपनी अमेजोन ऐप ओपन करेंगे। जब हम अपनी अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइस, यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने ऑर्डर्स पे जाना है। तो ऑर्डर्स पे जाने के लिए आपको प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको योर ऑर्डर्स का एक बटन दिखाई देगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके ऑर्डर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो भी ऑर्डर्स आपने कर रखे होंगे वो आपको इस प्रकार से शो हो जाएंगे। तो जैसे कि गाइस, ये अभी आप देख रहे होंगे एक ऑर्डर है, ये साड़ी का, मैंने ग्रीन कलर की साड़ी का ऑर्डर किया था। मैं आपको इसको रिटर्न करके दिखाऊंगा। तो गाइस, मैंने इस ऑर्डर पर क्लिक किया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके ऑर्डर की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर नीचे आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा, रिटर्न और रिप्लेस आइटम्स। तो गाइस, यहाँ पर उसी के नीचे लिखा होगा एलिजिबल थ्रू और डेट आ रही होगी, यानी कि जो आपका आइटम है वो कब तक आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, आपको टाइम यहाँ पर डेट मिल जाएगी। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन देख सकते हैं 26 सितंबर 2022 मुझे डेट मिली हुई है, इस आइटम को मैं 26 सितंबर तक रिटर्न कर सकता हूं। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, आपने भी इसी बटन पे क्लिक करना है अपने ऑर्डर को रिटर्न करने के लिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आप अपने आइटम को रिटर्न क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक रीजन देना होगा। तो यहाँ पे आप पढ़ के कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट क्वालिटी इशू, यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसका इशू है। अब आपसे फिर पूछेगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी में क्या इशू है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुअर फैब्रिक, यानी कि जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। उसके बाद आपको कमेंट, एक कमेंट बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद गाइस, आपने कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो अब पहुंच जाएंगे आप रिफंड वाले पेज पे। तो अब गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के मिलेंगे। एक ऑप्शन दिखा रहा होगा एड टू योर अमेजोन पे बैलेंस और दूसरा ऑप्शन दिखा रहा होगा रिफंड टू योर मास्टर कार्ड एंडिंग नंबर आ रहा है। तो गाइस, अगर आपको अपना रिफंड चाहिए फास्ट, यानी कि आप जल्दी रिफंड चाहते हैं अपना, तो आप अमेजोन पे बैलेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको सेम डे ही जिस दिन आपका प्रोडक्ट पिकअप करके लेके जाएंगे अमेजोन वाले, उस दिन ही 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, रिफंड टाइमिंग 2 to 4 आवर्स आफ्टर रिसीविंग द आइटम। अगर आप चाहते हैं गाइस कि आपको रिफंड, जो आपने जिस मोड से पेमेंट किया था, तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी थी, ऑनलाइन पेमेंट करी थी, तो आपने भी अगर ऑनलाइन पेमेंट करी है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करी है, आप चाहते हैं कि उसी में आपका पैसा वापस आए रिफंड का, तो आप यहां पे आपको शो हो रहा होगा इस प्रकार से, जैसे आप देख सकते हैं कि रिफंड टू योर मास्टर कार्ड, ऐसे ही आपका भी दिखा रहा होगा यूपीआई है या नेट बैंकिंग है। तो ओरिजिनल मोड पेमेंट का यहां पे दिखा रहा होगा, आपने वो सिलेक्ट करना है। दो ऑप्शन आ रहे होंगे आपको, एक तो अमेजोन पे बैलेंस का और एक आपका जिस मोड से आपने पेमेंट करी है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, क्लियर है। उसके नीचे गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आई एग्री टू रिटर्न आइटम, तो आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा, अगर आपने सीओडी ऑर्डर किया और आप फर्स्ट टाइम अमेजोन पर रिटर्न कर रहे हैं, तो सीओडी के केस में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए। तो अगर आपको अमेजोन पर ऑर्डर रिटर्न करते वक्त बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना नहीं आता है, तो आपके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख के सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे गाइस आपको दिखाएगा कि आप अपने ऑर्डर को कब रिटर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइम डेट शो हो जाएगी किस दिन आपका पिकअप होगा आइटम का, या अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप नेक्स्ट डे, किसी भी स्पेसिफिक डे पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ डेट मिलेगी, आप उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं कब आप अपना पिकअप करवाना चाहते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 सितंबर दिखा रहा है, 20 सितंबर दिखा रहा है, 20 सितंबर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइम आपको स्लॉट मिल जाएगी, डेट्स मिल जाएगी, आप इस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 19 सितंबर सिलेक्ट कर लूँगा जो कि ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ रही थी। नीचे आपको एड्रेस मिल जाएगा आपका, और उसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे यहाँ पे आपको आपका रिफंड का अमाउंट दिखा देगा, जो भी आपका ऑर्डर का अमाउंट होगा वो आपको फुल रिफंड मिल जाएगा।
उसी के नीचे गाइस आपको कन्फर्म योर रिटर्न का एक बटन देखने को मिलेगा, तो गाइस आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिटर्न की रिक्वेस्ट है वो रेज हो जाएगी यहाँ पे सक्सेसफुली। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर रेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं योर पिकअप इज शेड्यूल हैंड ओवर आइटम अमेजोन पिकअप एजेंट यू आर डन, ठीक है, यानी कि हमारी रिटर्न की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस हो चुकी है। तो इस प्रकार से गाइस आपने अपना अमेजोन का जो ऑर्डर है आपने इस प्रकार से उसके रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी। तो गाइस अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि रिटर्न रिक्वेस्ट ये हमारी रेज हो गई है नहीं हो गई। तो आपने अमेजोन ऑर्डर्स वाले फिर पेज पे फिर से जाना और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न स्टार्टेड, यानी कि मेरे ऑर्डर की रिटर्न रिक्वेस्ट रेज हो चुकी है। अब यहाँ पे वो रिटर्न का पिकअप ले जाएंगे, फिर मुझे 2 से 4 दिन के अंदर अंदर इसका रिफंड मिल जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आप अमेजोन पे अपने ऑर्डर को रिटर्न कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो कुछ मैंने समझाया आपको सब कुछ ईजिली समझ आ गया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर गाइस आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।